सो हेलो गाइस एंड मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम लोग कुछ गेम्स खेलने वाले हैं और उन सारी गेम्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला गेम है सीक्रेट नेबर, जो कि iOS का साइज मैंने लिख के दिखा दिया है। मेरे पास अभी एंड्रॉयड नहीं है तो iOS में जो साइज है उससे कम साइज होता है मोबाइल में, तो आप लोग देख सकते हो। तो कुछ मैं अपना गिना चुना गेम जो मैंने खेला वो दिखाने वाला हूँ, और भी इससे बेटर गेम है अगर आपके उसके ऊपर भी वीडियोज चाहिए तो मेरे को बताना। तो ये सीक्रेट नेबर बेसिकली इसमें आपको करना यह है, आप में से कुछ लोग होंगे जो खेलेंगे, ऑटोमेटिक लगेगा, आप मल्टीप्लेयर वैसे खेल सकते हो, और उसमें से कुछ लोग बच्चे बनेंगे और उसमें से एक बच्चा जो कि है वो बनेगा नेबर। और नेबर का क्या काम है सभी को पता है, अगर इस सीरीज को किसी ने जानते हैं नहीं है तो उनको मैं बता दूं, नेबर का काम ये है कि वो बच्चों को किडनैप करता है, एक तरह से बोले मारेगा। तो हम लोग छिपेंगे उससे और कुछ पजल्स सॉल्व करने होंगे, और जैसे ही वो पजल सॉल्व कर देंगे एक तरह से गेट होगा, उसको ओपन करने के लिए पजल्स सॉल्व करने पड़ेंगे, और उस सॉल्व करते ही हम लोग जीत जाएंगे। अब सॉरी बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज आ रहा होगा तो इसको मैं मेंशन अभी कर देता हूँ। तो अब गेम पे आते हैं। तो इसके अंदर आप लोग को कुछ पजल सॉल्व करने हैं, एंड उसके थ्रू आपको कुछ पजल सॉल्व करने के बाद गेट ओपन करना है एक, और उसके बाद आप जीत जाओगे। और काफ़ी फन गेम है, अच्छा ग्राफिक्स है इसका, लिटरली मोबाइल के लिए तो भाई मैं बोलूँगा मस्त ग्राफिक्स है। हाँ लो एंड डिवाइस में थोड़ा बहुत दिक्कत दे सकता है, बट हाँ अगर आपका पास 4GB या 6GB रैम के फ़ोन से तो मुझे नहीं लगता दिक्कत देने वाला, बहुत अच्छा ग्राफिक्स भी है। और अभी तो मैं एज अ किड खेल रहा एंड मैं पकड़ा भी जाऊँगा, और ये फुल गेम प्ले वेम प्ले वाली वीडियोज़ नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो कंट्रोल्स पूरे इधर हैं स्क्रीन पे मेरे, और मेरे ग्राफिक्स अभी ये नॉर्मल है, मैंने कुछ हाई वाई खुद से नहीं किया है, और बस पकड़ा गया मैं और उसके बाद मेरा गेम ओवर। मैं अपने फ्रेंड्स को वैसे चाहूँ तो एक्सपेक्टेड भी कर सकता हूँ इसमें, और अगर आप लोग डिस्कॉर्ड यूज़ करते हो तो बहुत ही मज़े आने वाले हैं आप लोगों को, ऑटो मैचिंग आप लोग खेल सकते हो बहुत लोगों के साथ, और डिस्कॉर्ड में अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो, बहुत मज़े आने वाले। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है दस या आठ लोगों का इसमें बंदे रहेंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट गेम पे, बैटल प्राइम पे। ये एक मल्टीप्लेयर FPS गेम है, इसके नाम में ही मल्टीप्लेयर है। अब इसकी साइज भी अराउंड 2GB के समथिंग होगी, ये भी मैंने iOS के हिसाब से बताया है, एंड्रॉयड में कम हो सकता है। और इसके अंदर आप लोग को लिटरली इमोट्स ऐसे खुद को करने को मिल जाएंगे, और ये फेंकने पे ये थोड़ा उसका लोगो है बैटल प्राइम, देखो इस पे लिखा हुआ खुद है। आप लोग सर्च करोगे एंड्रॉयड में बैटल प्राइम मल्टीप्लेयर FPS ऐसा कुछ आएगा आपको, तो बहुत मज़ेदार गेम है ये, लिटरली COD वाली वाइब देगी आपको। और कुछ लोगों को अगर COD नहीं पसंद, आई डोंट थिंक किसी ऐसा कोई बंदा होगा जिसको नहीं पसंद, बट हाँ जिन लोगों को नहीं पसंद COD वो ये ट्राई कर सकता है, या फिर जिन लोगों में COD लैग करता है आई थिंक ये गेम वो ट्राई कर सकता है। काफ़ी मज़ेदार गेम है और काफ़ी मतलब यूनिक सा गेम है। इसके अंदर एक ऐसा सेटिंग है जिसमें आप लोग ऑटो फायर ऑन कर सकते हो, लाइक इधर देख सकते हो मैं फायर बटन नहीं दबा रहा, जैसे एनिमी के ऊपर आप लोग एम करोगे खुद से वो फायर करेगा। इसमें क्राउच जंप हर एक मतलब जो FPS गेम में होते हैं बटन्स, वो सारे के सारे फीचर्स इसमें दे रखे हैं। और इसमें आप लोग स्किन्स भी परचेस कर सकते हो और अलग अलग चीज़ें भी कर सकते हो, इमोट आपका मैंने बता ही दिया पहले से इसमें मिला हुआ है, आप लोग अलग इमोट भी अनलॉक कर सकते हो। और COD में जैसे बाकी प्लेन्स और हर एक चीज़ करते हो, मुझे उसकी अभी तो इसमें नहीं पता, अभी तो हम लोग बस टेस्ट कर रहे हैं, देखते हैं। अगर ये गेम आपको खेलना है तो आप लोग प्ले स्टोर पर ये शायद अवेलेबल हो जाए, आप लोग देख सकते हो ऐप स्टोर पर ये अवेलेबल है, ऐप स्टोर पर आप लोग को मिल जाएगा इजीली, और प्ले स्टोर पर भी ये अवेलेबल होगा ही। तो ये तो था अपना नंबर 2 गेम, अगर ये पसंद आया हो तो जाके अभी तुरंत डाउनलोड कर लो। मैं ऐप स्टोर की लिंक तो डिस्क्रिप्शन में शायद दे ही दूंगा, या फिर आप लोग सर्च भी कर लेना। तो काफ़ी मज़ेदार गेम है ये। अब मूविंग ऑन आवर थर्ड गेम, तीसरे गेम पे चलते हैं, और तीसरा गेम पे जाने से पहले जिन लोगों ने लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दो और लेट्स गो। सो तीसरा गेम अपना बहुत ही मज़ेदार गेम होने वाला है, ये है लेफ्ट टू सर्वाइव गेम, और सर्वाइवल गेम है ये, मल्टीप्लेयर नहीं है। ये मैंने ऐसे ही एवे ही डाल दिया, जब हम लोग बचपन में जॉम्बीज गेम खेलने का बहुत शौकीन थे, क्योंकि उस टाइम पे जॉम्बी का ट्रेंड हुआ करता था, अभी भी जॉम्बी का ट्रेंड थोड़ा बहुत है। तो अगर आप लोग खेलना चाहते हो जॉम्बीज गेम तो ये गेम आप लोग के लिए बहुत अच्छी होने वाली है, अच्छी सी स्टोरी इसमें है और बहुत मज़ेदार इसमें आप लोग को ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। तो स्टोरी के साथ साथ अगर आप लोग को मस्त एडवेंचर करना है तो ये गेम मैं आप लोग को प्रेफर करूँगा। इसमें आप लोग एज ए कैरेक्टर हीरो स्टार्ट करोगे, फिर थोड़े बहुत इसमें आपको ऐसे साइड मिशन करने होंगे, आप लोगों को एक स्टोरी मिलेगी, देन उसके बाद ये जो मैं हेलीकॉप्टर से अभी ये ब्लास्ट कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ये आपको लिटरली आप लोग को इतने सेफ पे नहीं ये रोकने वाला, आप लोग जॉम्बीज को मार सकते हो, आप लोग बहुत चीज़ कर सकते हो।
अभी मैं इसको आपको आगे भी दिखाऊंगा इसमें आप लोग क्या क्या कर सकते हो। अभी तो इधर मैं देख सकते हो मिसाइल से एकदम मस्त सारा एक्सप्लोजन कर रहा। ये अभी स्टार्टिंग सीन है, तो स्टार्टिंग अगर आप लोग करोगे तो आपको भी ऐसे ही कराएगा। तो मैं भी सारा गेम्स आप ही लोग के साथ लिटरली पहले ट्राई कर रहा हूँ। मैं अभी तक ये खेला नहीं और शायद मैं मर गया कि कुछ तो हो गया, ये क्या हुआ। ओके, तो हेलीकॉप्टर मैंने ब्लास्ट कर दिया। तो अब एक और सीन मैं दिखा देता हूँ, लेवल वन कुछ करके ऐसा होगा। तो इधर आप लोग को ऐसा कुछ शुरू होगा और फिर उसके बाद आप लोग ऐसे ज़ॉम्बीज को मारने होंगे। अगर आप लोग हेडशॉट नहीं मारोगे तो ज़ॉम्बीज जिंदा भी हो जाएंगे। आप लोगों ने रियल ज़ॉम्बी मूवीज़ देखी ही होंगी, तो उसमें अगर आप लोग हेडशॉट नहीं मारते तो ज़ॉम्बीज जिंदा हो जाते हैं। तो इसी तरह इसमें भी वो लोग जिंदा हो जाएंगे, वो भी फुल हेल्थ के साथ। आप लोग देख सकते हो उसका हेल्थ मैंने लो कर रखा था बट वो फुल हो गया। एंड फिर उसके बाद वही है, ज़ॉम्बीज को आप लोग को मारना और ना है। देन उसके बाद जैसे ही आप लोग मार के इसे ख़त्म करोगे, आप लोग का लेवल ये ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग अपना इसके अंदर जो भी अचीवमेंट करना है, जो भी चीज़ करना है वो कर सकते हो। मैंने तो फुल गेम ट्राई नहीं किया है, बट हाँ अगर आप लोग को ये गेम पसंद आया हो ना तो इसके लिए लाइक करना और डाउनलोड कर लेना। और ये रहा इसका मेन बॉस, इसको जैसे ही हम लोग मारेंगे ये लेवल ख़त्म हो जाएगा। तो हर लेवल का एक मेन बॉस होता है, अभी तो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इसलिए इतना इजीली सबको मार दे रहे हैं। बट जैसे जैसे आप लोग लेवल अप करोगे, आप लोग को अपनी गन्स को भी अपग्रेड करना होगा, और अपग्रेड नहीं करोगे तो आप लोग जीत भी नहीं पाओगे। तो ऐसे कुछ चीज़ें कलेक्ट होंगी और एंड ऑल। अभी आते हैं अपने चौथी गेम पे आई गेस, और ये है इनजस्टिस 2। अब इनजस्टिस इसका एक और भी है, लेकिन मैं हम लोगों ने 2 किया है डायरेक्टली, क्योंकि मुझे 2 ज़्यादा पसंद आया। वो थोड़ा कम एमबी का भी था, 2 GB के समथिंग ये राउंड था, 2 से 3 GB। तो इसके अंदर आप लोगों को अलग अलग डीसी के कैरेक्टर्स मिलेंगे जिसके साथ आप लोग खेल सकते हो, ना कि सिर्फ सुपर हीरोज बल्कि आप लोग एज अ विलन भी इसमें खेल सकते हो। इसमें कुछ ऐसा है नहीं, आप लोगों को एक साथ 2 जन खेल सकते हो। अभी तो ये ट्यूटोरियल था इसका, मैं भी अभी स्टार्टिंग नया किया इसको, तो मैं आपको एक गेम में दिखाता हूँ। इधर आप लोग देख सकते हो 2v2 है। जैसे आप लोग अपने किसी एक विलन को अपने मतलब अपोजिट में जो आपके है उसको हराओगे तो उसका दूसरा प्लेयर आ जाएगा, और आपके पास भी 2 प्लेयर्स की एबिलिटी होंगी। और जैसे ही आपका कोई एक प्लेयर डाउन होगा या फिर हेल्थ कम होगा तो आप लोग अपने दूसरे प्लेयर पे स्विच कर सकते हो। और इसके अंदर बैटल टैक्टिक थोड़ी अलग अलग तरह से है, आप उसके ऊपर टैप करोगे तो वो मारने लगेगा। एंड कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ है जैसे कि ये आप लोग देख सकते हो, स्किप अगर कर दूंगा मैं तो फिर आपको ये एनिमेशन नहीं दिखेगा, बट यू कैन सी दिस, क्या अच्छे ग्राफिक्स है ये। और आई थिंक ये भी गेम आपको 4 से 6 GB रैम के अंदर आप लोग बहुत अच्छे से खेल सकते हो। और अभी मैंने किसी भी गेम का ग्राफिक्स हाई नहीं किया है, जो हम उनको दिया है सजेशन में वही सारे ग्राफिक्स खेल रहा हूँ मैं। अब गेम नंबर 5 पे आते हैं, और गेम नंबर 5 है एस्कॉर्ट 9 लीजेंड्स। आई डोंट नो, नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं तो सॉरी। तो ये गेम में बेसिकली आपको करना ये है, आप लोग रेसिंग कर सकते हो, हाई ग्राफिक गेम है, और एक और गेम है नीड फॉर स्पीड। तो उन दोनों से किसी एक को मैंने को डाउनलोड करना था तो मैंने ये प्रेफर किया। तो इसमें बेसिकली आपको पास एक इधर उधर जाके ऑब्स्टिकल्स पार करना है एंड रेस करना है, फर्स्ट आना है। और अगर आप लोग टकराओगे तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, आपके पास बूस्टर्स होंगे, इधर उधर आप लोग को जंप करने के लिए शॉर्टकट्स भी होंगे। डॉक्टर ड्राइविंग की तरह और बाकी कुछ गेम्स की तरह आप लोग इसमें लाइक इधर उधर नहीं जा सकते, और कुछ ओपन वर्ल्ड रेसिंग गेम्स होते हैं उसमें उसकी तरह इसमें नहीं है। आप लोग इधर उधर बस ड्राइविंग कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट, यही है बस। ये नहीं कि आप लोग डायरेक्ट कहीं और रास्ते पे चले गए। आप लोग को हाँ शॉर्टकट्स इसमें देखने को मिल जाएंगे, कुछ ऑब्स्टिकल्स भी देखने को मिल जाएंगे, बट ये सिंपली एक रेस गेम है तो इसमें ज़्यादा कुछ तो फ्रीडम नहीं मिलता। बट हाँ अच्छे ग्राफिक्स के साथ, और लिटरली आप लोग रेस खत्म करने के बाद ये अपना देख सकते हो हाइलाइट्स, इसको सिनेमैटिक व्यू, फ्री व्यू, हर एक चीज़ की तरह देख सकते हो। तो इसके लिए मैंने ये गेम को इसमें ऐड किया। लिटरली आप देख सकते हो रेस खत्म होने के बाद आप लोग इसके एक अच्छा सा हाई मोन्टाज निकाल सकते हो। इधर देख सकते हो क्या ही मस्त लग रहा भाई, लिटरली मतलब मैं रेस ख़त्म किया और उसके बाद ये जो मैंने लाइक अपना मोन्टाज देखा एकदम मज़ा आ गया। तो ये गेम आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप लोग यूट्यूब करने का सोच रहे हो और ये सोच रहे हो कि यार मेरे को एक गेमिंग बैकग्राउंड चाहिए ताकि उसके ऊपर वॉइस ओवर करके कुछ डिटेल्स बता सकूँ, तो ये गेम्स आपको पसंद आने वाली, क्योंकि इस गेम में आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे मोन्टाज देखने को मिल जाएंगे और बहुत मज़े आने वाले। तो ये तो था अपना गेम नंबर 5। अब इसके थोड़े बहुत अंदर का भी मैं थोड़ा बहुत दिखा दूँ। तो ये तो गेम ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट करते हैं इधर, और इधर फर्स्ट प्लेस, और आपको कुछ ऐसे वैसे रिवॉर्ड्स, और इसके अंदर कुछ कार्स भी हैं जो रियल वर्ल्ड में भी होती हैं, बाकी कुछ गेम्स में होते हैं जो लोगों को नहीं दिखाते वो हाइड कर देते हैं, बट इसमें रियली पूरा लोगों के साथ BMW है एंड कुछ ऐसे कार्स हैं जो लॉन्च होने वाले हैं, मे बी फ्रिक्शनल हैं, आई डोंट नो, बट हाँ कुछ बहुत अच्छे अच्छे कार्स हैं इसमें।
तो ये तो रहा अपना एक कार रेसिंग गेम। अब आते हैं अपने उस गेम पे जो आप लोग हमेशा खेलते हो और कुछ लोग इग्नोर कर देते हो, एंड मैं बात कर रहा किस गेम की। शूटर गेम है, मल्टीप्लेयर है, गेस कर लो। अगर गेस कर लिया तो ये रहा वो गेम, कॉल ऑफ ड्यूटी। तो मैंने सोचा पहले BGMI बताऊँ, लेकिन BGMI तो बैन है, तो उसकी जगह आप लोग ये खेल सकते हो। इसमें आप लोग को बहुत मस्त ऐसे TDM खेलने को मिल जाएंगे, आप लोग फुल मैच भी खेल सकते हो, एंड लिटरली बहुत अच्छे ग्राफिक्स के साथ है। FPP गेम है, एंड देन उसके बाद TPP भी इसमें कर सकते हो। तो बहुत मज़ेदार गेम है, आप लोग इसमें लिटरली अपग्रेड कर सकते हो हेलीकॉप्टर एंड ऑल दैट, जो कि BGMI में आप लोग को नहीं मिलने को मिलेगा। हालांकि अलग अलग मोड उसमें है, बट इसमें आप लोग एक बड़े से मैप में आप लोग हेलीकॉप्टर भी चला सकते हो, एंड बहुत अच्छे अच्छे यूनिक गन्स हैं जो कि आपको BGMI में नहीं देखने को मिलेंगे। तो मेरे को जो पहले से मैं गेम खेल रहा, तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें पहले से ही अनलॉक है। और अगर आप लोग न्यू प्लेयर होने वाले इसमें, तो जैसे जैसे आप लोग खेलोगे अलग अलग चीज़ें इसमें अनलॉक होती जाएंगी। तो अब आते हैं अपने फाइनल गेम पे, ये हेलो नेबर। तो इस गेम में बेसिकली पहले तो हाइड एंड सीक भी लिख लेना, सॉरी, तो हेलो नेबर हाइड एंड सीक सर्च करोगे तब जाके ये गेम मिलेगा। तो इसमें बेसिकली आप अपने बच्चों के साथ पता नहीं क्या ये हाइड एंड सीक टाइप का करता है, और फिर उसके बाद मेरे को भी लाइक लिटरली फुल गेम तो नहीं पता, बट इतना मेरे को पता है कि आपको एज अ लड़की कैरेक्टर है और एक उस नेबर का बच्चा है, वो दोनों हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, और अचानक से ये लड़की कहीं चली जाती है और छोटी हो जाती है। अब मेरे को पता नहीं कि इसमें आगे क्या करना है, बट हाँ इसके भी ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप लोग स्टोरी टाइप के गेम्स में दिलचस्पी रखते हो कि हाँ मेरे को थोड़ा स्टोरी मोड खेलना है ऑनलाइन बहुत हुआ, तो ये गेम बहुत पसंद आने वाला आप लोग को। और अगर आप लोग हेलो नेबर के फ्रेंचाइजीज को जानते हो, तो ये गेम आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला। तो मोबाइल के लिए ये बहुत अच्छा गेम है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आई डोंट नो एंड्रॉयड में भी फ्री होगा कि नहीं, बट हाँ मैं 100% श्योर हूँ कि फ्री होगा एंड्रॉयड में भी। तो इधर देख सकते हो जो मैंने बोला था, ये लड़की अब छोटी हो गई पता नहीं कैसे। अब इसके आगे की स्टोरीज तो आप लोग को खुद खेल के देखना पड़ेगा, और मुझे बताना है मैंने जितने भी गेम्स बताए इन सारे गेम्स में आप लोग को कौन सा गेम बेस्ट लगा, और कौन सा गेम आप लोग डाउनलोड करके खेलने वाले हो या पहले से ही खेल रहे हो, और आपको और भी इसकी सीरीज चाहिए कि मस्त मस्त गेम्स कौन से होंगे, तो मेरे को कमेंट करना। और मैं मिलूंगा फिर किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए चलता हूँ, बाय बाय।